नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। जादू टोना और पाखंड से बागेश्वर बालाजी का उठा विवाद अब धर्मांतरण तक पहुंच गया है। शुरुआत अंधश्रद्धा निर्मूलन के चैलेंज से हुई थी, लेकिन राजधानी रायपुर में यह मामला दो कदम आगे बढ़कर सियासी चुनौती में बदल गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण का मुद्दा उठाया और सनातनियों को एकजुट हो जाने का आह्वान क्या कर दिया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी मंत्री ने यह कहते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दे दी कि अगर धर्मांतरण का मुद्दा साबित हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे, वरना धीरेन्द्र शास्त्री को पंडिताई छोड़नी पड़ेगी। आखिरकार ऐसे चैलेंज की जरूरत क्यों पड़ रही है राजनेताओं को? क्यों धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती पर चुनौती दी जा रही है? मामला सियासी है या सिर्फ सुर्खियों बटोरने का एक कारण? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले चलिए आपको सुनवाते हैं कि आखिर कवासी लखमा ने क्या कुछ कहा और इस विवाद की शुरुआत कहां से कहां तक हुई और इस पर आखिर बीजेपी का क्या कुछ कहना है। हम धर्मांतरण रोकेंगे, हम घर वापसी करवाएंगे, हम सनातन की बात करेंगे, हम साधु संतों का साथ लेकर आशीर्वाद लेकर पूरे भारत में झंडा लगाएंगे। और हम लोग अभी डर गए, हम लोग अभी डिग जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर देंगे, सनातन को मिटाने की साजिशें कर देंगे। हमें डिगना और डरना नहीं है। हमारे साथ बागेश्वर बालाजी हैं और हम आपके साथ हैं। महाराज को नागपुर में कोई चुनौती दिया क्या? हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित है छोड़ दे। अरे इन्हीं को, ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको चुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित है क्या है, सही पता चलेगा। मंत्री इस प्रकार से एक ख्याति नाम संत जो सनातन धर्म को और हिंदुत्व को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, उनको जिस प्रकार से अपमानित करने का काम कर रहे हैं, इसको प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। तत्काल इस मामले में कवासी लखमा माफी मांगे और भूपेश बघेल जी से मांग है कि तत्काल ऐसे जाहिल आदमी को मंत्रिमंडल से हटाए। ये सनातन धर्म पे सीधा सीधा हमला है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। तो आपने सुना क्या कुछ कहा जिम्मेदारों ने कवासी लखमा को। आखिर फिर से एक नया चैलेंज देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या बस्तर में जो धर्मांतरण का मुद्दा उठा है, उस मुद्दे को शांत करने के लिए, उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार हावी हो रही थी, जिस प्रकार से बस्तर के लोगों को समझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही कि धर्मांतरण का मुद्दा सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो कांग्रेस शासनकाल में हुआ है, तो क्या ये मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने की कोशिश है कवासी लखमा की? और जिस तरह से धर्मांतरण को रोकने की बात खुद धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, आगे क्या होगा इस सब विषय पर, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति इसमें इन्वॉल्व क्यों हुई, ये इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। सियासी चैलेंज, ये हमारे आज कार्यक्रम का शीर्षक है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर विश्वेश ठाकरे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ नितिन भंसाली जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ डॉक्टर राजीव चक्रवर्ती साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले नितिन जी के पास चलता हूं। नितिन जी, ये बाबा ने आज खूब चमत्कार दिखाया है। धर्मांतरण पर तो हम बाद में आएंगे, उस पर बाद में बातचीत करेंगे। पहले बताइए कि आपका कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? बहुत कंफ्यूज लग रही कांग्रेस पार्टी बाबा को लेकर, मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ है, आपका कंफ्यूजन कुछ कम हुआ कि नहीं? आज सुबह से चमत्कार बाबा खूब दिखा रहे हैं। नितिन जी, आदित्य जी, धर्म आस्था इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। किसी व्यक्ति की आस्था किसी व्यक्ति पर है, किसी धर्म गुरु पर है, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। ये लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। इस पर मैं किसी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद स्वयं एक सनातन धर्म का को पालन करने वाला व्यक्ति हूं और सनातन धर्म कभी भी ये नहीं सिखाता कि हम हमारे धर्म का सम्मान करें या दूसरे के धर्मों का अपमान करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताता। तो ये चमत्कार हो या जो भी हो, ये एक आस्था का विषय है और किसी की आस्था पे चोट पहुंचाने की बात मैं तो नहीं कर सकता। बिल्कुल, देखिए मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ राजीव जी भी जुड़े हैं। राजीव जी, ये बाबा ने को खूब चुनौती मिल रही है, महाराष्ट्र में मिली, छत्तीसगढ़ में मिल रही है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक माना जाता है कि 90% जो इस प्रकार के बाबा रहते हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्या लगता है राजीव जी? नहीं, बिल्कुल नहीं आदित्य जी। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का जो शूडो सेकुलर है, जो छद धर्म निरपेक्ष लोग हैं, वो धर्म निरपेक्षता के नाम पर हमेशा सनातन धर्म पर ही कुत्सित क्यों प्रहार करते हैं? सनातन धर्म की कोई भी अगर कोई बात होती है, कोई धर्म कोई सभा होती है
कि कोई प्रार्थना सभा होती है कि भाई हम सामूहिक रूप से हनुमान जी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ऐसे तमाम लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, उसको चुनौती देते हैं। लेकिन चंगाई सभा पर आश्चर्य की कोई चुनौती नहीं दी जाती, या जो दूसरे धर्म के लोग जो कहते हैं कि हम जादू दिखाएंगे, हम टोटका करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, उस पर कोई चुनौती। तो ये देश बहुत दिनों से ऐसा बटा हुआ था, लेकिन पिछले 2008 से लोगों में एक समझ आई है कि हम सनातन का अपमान नहीं सहन करेंगे। ये एक जन जागृति आई है आपके टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस हमेशा, जो कांग्रेस के सियासतदान हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदुत्व को मानते हैं, हिंदुज्म को नहीं मानते। तो उसी प्रकार जो एक पोप जॉन पॉल का एक छुपा हुआ एजेंडा था कि भारत में बहुत ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण हो, तो ऐसा लगता है कि धर्मांतरण एक छुपा हुआ एजेंडा है और उसके लोग उसमें शामिल है। इधर बस्तर के एसपी हो, सुकमा के एसपी हो, या तमाम बीजापुर के एसपी, वो कहते हैं कि बहुत दुख की बात है, दर्द की बात है, या ऐसा कुछ चल रहा है, खेल चल रहा है, उसको लेके सरकार संज्ञान नहीं लेती है। और कवासी लखमा जी को कभी सीरियसली नहीं लिया जाता है कि वो राजनीति में रहे या छोड़ दे, तो वो बिल्कुल शून्य में तैर रहा है, उनकी चुनौती कुछ नहीं है, वो एक हास्य और हंसोड़ पात्र है। और ठीक है, एक मंत्री है, हाँ ठीक है, हाँ वो उनको कोई सीरियसली नहीं का पात्र कह रहे हैं, हाँ, बिल्कुल उनको कोई, ये देखिए, अरे आपके बस्तर में क्या प्रदेश में आदिवासी समाज भाजपा का एक नेता उनके कद के बराबर का नहीं है। तो वो जिस प्रकार से उन्होंने चुनौती दी, मैं बाबा को, धर्म उनकी चुनौती है क्या, किसी फौजी के खिलाफ वो चुनौती दें, किसी पृष्ठ के खिलाफ वो चुनौती दें, कभी नहीं। अरे आप ये जो चुनौती है, उस चुनौती केवल हिंदुओं के ऊपर, सनातन के ऊपर, किस चीज को लेकर है, क्यों, किस प्रकार की है, और आप लोग है धर्मांतरण को लेकर व्यापक रूप से कैसे बात कर सकती है। 100 साल से पूरे छत्तीसगढ़ में, दूर बस्तर में हो, झारखंड का क्षेत्र हो, छोटा नागपुर का, धर्मांतरण का खेल चल रहा है 100 साल से। चलो एक और अभी बढ़ गया, अब मैं चैलेंज करता हूँ, तो ये बीजेपी के प्रवक्ता राजू चक्रवर्ती को चैलेंज करता हूँ कि भाई एक भी तथ्यात्मक प्रकरण छोड़ दीजिए, बिल्कुल ध्यान बता रहे हैं, रखिए सुकमा के एसपी ने लिखा, सुकमा के धर्मांतरण हो रहा है, व्यापक ने लिखा, बात मत करो। और जब लोग एक भी प्रकरण के लिए गए साक्ष्य के साथ जब बताने लगे, आप पर जबरिया धर्मांतरण लगा दिया, हमारे सुकमा नहीं है आपके पास, रासुका लगा दिया, आप लोगों को सिर्फ हमारे तमाम सुकमा क्यों लगाया भाई, नेताओं के ऊपर रासुका क्यों लगा दिया, इसीलिए लगाया कि धर्मांतरण का खेल चलता रहे। यदि आप लोग आप लोग आदिवासियों के बीच में चलता रहे, कड़े कानून, और ये आपका छुपा हुआ एजेंडा है कांग्रेस और वो बड़े छुपा हुआ एजेंडा धर्मांतरण। नितिन जी, मैं आ रहा हूँ धर्मांतरण के मुद्दे पर, आना ही पड़ेगा लग रहा है। बस्तर में धर्मांतरण तो हुआ है नितिन जी, है ना, आपके शासनकाल में हुआ, इनके शासन, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, धर्मांतरण तो हुआ, गांव के गांव कन्वर्ट हो गए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ, आपके शासनकाल में जांच का विषय हो सकता है, लेकिन धर्मांतरण तो हुआ है। जो लोग जबरन धर्मांतरण जिनका हुआ है, अगर वो वापस लाना चाह रहे हैं, तो ये फिर इनको फिर से क्यों चैलेंज कर रहे हैं, बेवजह पॉलिटिकल हाइप देने की कोशिश तो नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी। नितिन जी, देखिए चैलेंज वाली बात आई है, तो मैंने वरिष्ठ मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता कवासी लखमा जी का बयान सुना, लखमा जी ने सीधी बात कही, क्योंकि कहीं ना कहीं उस मंच से यह बात आई कि बस्तर में धर्मांतरण, बस्तर में धर्मांतरण नहीं सभा पर क्यों नहीं गई, जिम्मेदार पर तो धर्मांतरण खेल होता है, आदिवासी पार्टी ने, आदिवासी मंत्री है आपको, अरे आदिवासी मंत्री तो क्या सनातन के आदिवासी तो कहते शोषण बंद करो। जी, अंधशक्ति निर्मूलन जो समिति होती है, क्या वो लोग सब क्रिश्चियन होते हैं? बिल्कुल, वामपंथियों का ग्रुप है, गिरोह है वामपंथियों का, कांग्रेस के लोगों से छत्तीसगढ़ में डॉक्टर मिश्रा है वो ईसाई है क्या? मैं तो यही पे बात करूंगा ना, मतलब वामपंथी और कांग्रेस लबाजी कर रहे हैं, इनका क्या तो वचन दे रहे वाले से सनातन धर्म पर प्रहार करो, ए भाई सनातन धर्म के भैया धर्म का अपमान कर किसी चंगाई सभा का विरोध क्यों नहीं करता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सबको एक बराबर, अरे भाई भाई है तो सनातन पे आप लोग अपमान करोगे, बागेश्वर बाबा का अपमान करोगे, शास्त्री जी का अपमान करोगे, आप लोग ने फेंका ले लिए
है सनातन धर्म का पक्ष समाज का भी राजनीति करते हो आप लोग। राजीव जी ये चुनौती का जवाब बाबा तो देंगे नहीं ऐसा लगता है, बीजेपी क्या स्वीकार करेगी चुनौती को जो चुनौती दे रहे हैं कवासी लखमा जी? जी बिल्कुल बिल्कुल स्वीकार है बयानों में नहीं। और अभी पिछले चार वर्षों में आदित्य जी व्यापक पैमाने पर गांव-गांव में एक लड़ाई की बात कर रही है, वर्ग संघर्ष चल रहा है, प्रलोभन देकर उन्हें धर्मांतरण किया जा रहा है और कांग्रेस की पॉलिस कांग्रेस का प्रशासन उसके साथ लगा हुआ है और बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के लोग धर्मांतरण का साथ दे रहे हैं। और इसी बात पर 2003 में अजीत जोगी की सरकार अजीत जोगी की सरकार इसलिए गई थी, अभी भूपेश जी की सरकार जाएगी धर्मांतरण के मुद्दे पर। 8-9 महीने जी विश्वेश जी मेरे साथ जुड़े हैं। विश्वेश जी ये जो पूरा मामला हुआ है अभी तक धर्म का मामला छाया हुआ था, आज मामला पूरा पॉलिटिकल सा हो गया है, राजनीति छोड़ दूंगा वो पंडिताई छोड़ देंगे, ये क्या ये पूरा राजनीतिक स्टंट है? चुनाव है 8-9 महीने बाद, बाबा आए राम कथा करते चले जाते, कांग्रेस कूद पड़ी है बीच में, किस तरह से देख रहे हैं ये बीजेपी बनाम कांग्रेस ज्यादा होते जा रहे हैं? मैंने और आपने यहाँ पर पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता की है, आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है कि कवासी लखमा भले ही अनपढ़ हो या उनकी जैसा वो दिखाते हैं कि उनकी जानकारी कम हो, लेकिन वो एक बात बखूबी जानते हैं कि कहाँ कब कैसे मीडिया मुझे दिखाएगा। ये एक बहुत अपने आप में अद्भुत बात है कि कवासी लखमा जी के स्टेटमेंट वहीं पर आते हैं जहां पर ये लगता है कि बस अब तो बस पूरा छत्तीसगढ़ का मीडिया मेरे बोलने को दिखाने लगेगा। तो एक तो ये उनका मास्टर स्ट्रोक है कि वो बागेश्वर बाबा सरकार का जो अभी जो चल रहा है जहां पे लाखों हजारों लोग जुटने की बात की जा रही है वो अपनी जगह है, लेकिन आप आज देखिए कि उनके एक स्टेटमेंट से पूरा जो सिनेरियो है वो कवासी वर्सेस बागेश्वर धाम हो गया है। तो ये पहला मुद्दा है कि कवासी लखमा एक कितने मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। दूसरा ये कि जो वो चैलेंज कर रहे हैं, जो वो चुनौती कर रहे हैं कि बाबा चलें बस्तर में और मेरे साथ चलकर देखें कि और अगर एक भी आदिवासी कन्वर्ट हुआ होगा तो मैं जो वो बोलेंगे मैं कर लूंगा, इसमें निश्चित रूप से ये दो उनका कहने का आशय ये है कि कन्वर्ट तो हुए होंगे लेकिन सरकारी कागजों में कन्वर्ट नहीं है। मैं कुछ दिन पहले नारायणपुर गया था जब तमाम चीजें हुई थी वहां पर, तो ये वहां पर एक बहुत अजीब बात दिखी कि पूरे गांव के गांव क्रिश्चियन है लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में क्रिश्चियन एक भी नहीं है। तो ये एक बहुत मुद्दा है और इसी के दम पे कवासी लखमा चैलेंज कर रहे हैं। बाकी धर्मांतरण के मुद्दे पे दोनों मेरे मित्र जो हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन अभी जो ये सियासी मुद्दा तो हुआ है जी, ये कोई माने या कांग्रेस माने ना माने बीजेपी किसके शासन काल में हुआ मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कन्वर्जन तो हुआ है मानते हैं आप विश्व जी? बिल्कुल कन्वर्जन हुआ है, मैंने देख के आई है वो स्थिति, मैंने देखी है और मैं ये देखा है मैंने कि वहां पर कन्वर्जन हुआ है। लेकिन नितिन जी की भी ये बात बिल्कुल सही है कि जबरिया कन्वर्जन वाला कोई एंगल वहां पर है नहीं, लेकिन कन्वर्जन है पर सरकारी कागजों में नहीं है, इसीलिए इतना ताल ठोक कर कवासी लखमा बोल रहे हैं कि मेरे साथ चलिए मैं बताऊंगा अगर एक भी आदिवासी क्रिश्चियन बना होगा। लेकिन ये गलत भी बात है, अगर मान लो आदिवासी क्रिश्चियन बन रहा है वो अगर अपने देवताओं की पूजा नहीं कर रहा है तो फिर आप ये कैसे बोलेंगे कि वो क्रिश्चियन नहीं हुआ है? तो क्रिश्चियन तो हुआ है भले सरकारी दस्तावेज में वो क्रिश्चियन नहीं है। तो ये यहां पर कहीं कवासी लखमा जी का ये जो है ये बड़ा स्ट्रेटेजिकल स्टेटमेंट है कि आप चलिए और मैं दिखाऊंगा कि वहां कन्वर्जन नहीं हुआ है, लेकिन कन्वर्जन तो हुआ है और न सिर्फ बस्तर में हुआ है पूरे प्रदेश में हो रहा है, शहरी इलाकों में भी लोग उस धर्म के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं और इसमें हिंदुत्व वाले लोग जो हैं या हिंदूवादी जो संगठन है वो क्या कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी सोचनीय विषय है, ये सोचनीय बात है। दूसरी बात इसमें ये है कि पहले तो ये तक सुनाई आता था केवल कि आदिवासियों का ही कन्वर्जन हो रहा है, अभी जो रिपोर्ट सारी जो ऑन ग्राउंड हम देख रहे हैं साहू समाज में काफी संख्या में कन्वर्जन हुआ, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जी? न सिर्फ साहू समाज एक समाज नहीं बल्कि ऐसे कई लोग हैं, मैंने ये भी देखा है कि जो बहुत पढ़ा लिखा समाज जाना जाता है माना जाते हैं जैसे महाराष्ट्रियन समाज हो गए जैसे और दूसरे समाज हो गए, उनके भी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पर बहुत इक्का दुक्का लेकिन वो उससे उस धर्म से प्रभावित हो रहे हैं। अब ये प्रभावित क्यों हो रहे हैं ये मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदू संगठनों के लिए ये बड़ी चिंता होनी चाहिए कि ऐसा क्या है कि जो उस धर्म के प्रति वो आकृष्ट हो रहे हैं और हिंदू धर्म को एक तरीके से वो ये मान रहे हैं कि वो धर्म इससे ज्यादा बेहतर है। तो इसमें समानतावाद हो सकता है क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि मुस्लिम जो धर्म फैला वो भी समानतावाद में फैला, वहां पर भी कोई राजा प्रजा का भेद नहीं हुआ, राजा प्रजा साथ बैठ के खाते थे, बिल्कुल यही चर्च में जो चीजें होती हैं कि वहां पर भी राजा प्रजा एक साथ बैठते हैं जबकि हिंदू धर्म में थोड़े से लेयर्स हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है कि आक्रोशित हो रहे हो। दूसरा ये कि मैं जब बस्तर में था अभी तो बड़ा मेरे को वहां पर ये आश्चर्य हुआ इस चीज को लेकर कि वहां जो प्रार्थना सभाएं हैं
उसका इम्पैक्ट जो है इतना है कि लोग बहुत तेजी से उस प्रार्थना सभा के इफेक्ट के कारण में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो है या नहीं है ये नहीं मालूम, लेकिन वहां पे ऐसी मानसिकता लोगों की बनी हुई है। तो ये सबको थोड़ा सा देखना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से कि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना एक तरीके से आप अपनी मूल चीजों को छोड़कर जा रहे हैं, तो ये भी एक गलत बात है। लेकिन क्यों छोड़ रहा है इसको ये हिंदूवादी संगठनों को या उससे जुड़ी राजनीतिक पार्टियों को, इसको देखना चाहिए। इसमें जरूरी नहीं है कि भाजपा ही देखे, क्योंकि कांग्रेस भी तो आखिर कहीं ना कहीं से हिंदूवादी संगठन ही है या फिर सब एक धर्मनिरपेक्ष संगठन है। तो सभी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए या देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या कमियां हैं हमारे में कि वो लगातार उस तरफ जो है वो खींचे चले जा रहे हैं। और आदित्य जी एक बहुत गंभीर प्रश्न है कि इसमें देखिए एक वर्ग संघर्ष जो मैं कह रहा कि जो मूल आदिवासी वो बोल रहे हैं कि डिलिस्टिंग करिए जो दूसरे धर्म में जा रहे हैं और उनकी रीति नीति संस्कृति छोड़ने के लिए कही जा रही है। देखिए जैसे नक्सलवाद का उभार हुआ क्योंकि वहां शोषण था, नमक के बदले चिरौंजी लिया जाता था, ये 1950 के दशकों से चला आ रहा था। बाद में जो आज नक्सलवाद इतनी नासूर हुई कि लाखों लोगों की जान गई, तो सरकार निश्चित रूप से भूपेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो ये जो जैसे पत्रकार महोदय ने कहा बहुत अच्छी बात कही कि एक गंभीर एक छोटा सा साइलेंटली एक वर्ग संघर्ष चल रहा है, तो सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। भले उनका कोई भी कुछ भी प्रतिक्रिया हो, लेकिन अगर संज्ञान नहीं ले तो आने वाले समय में बहुत बड़ी देरी हो जाएगी। बिल्कुल 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 सबको संज्ञान लेना चाहिए कि कोई वर्ग संघर्ष आगे जाकर जैसे वर्ग संघर्ष आगे जाके ना हो, क्योंकि मूल आदिवासी और कन्वर्शन वाला समाज इन दोनों के बीच में अभी गांव में छिटपुट छिटपुट संघर्ष चल रहा है, लड़ाई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो सरकार को संज्ञान लेकर इसके पढ़ाना होगा। हमारे वनवासी संगठन और आदिवासियों बंधुओं के बीच में शिक्षा का प्रसार हो, चिकित्सा का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए 15 वर्षों में बहुत प्रयास किए गए। जहां पर डॉक्टर जाते नहीं थे, प्रयास सड़कों का दुरुस्त किया गया, सड़कों का जाल बिछाया, तो अभी कम हो रहा है। लेकिन देखिए नॉर्थ ईस्ट में पहले प्रयास किया धर्मांतरण से बाद में की बात भाई, हमारी इंग्लिश कल्चर है, हम इस राष्ट्र में नहीं रहना चाहते। जो नॉर्थ ईस्ट में लालडेंगा समझौता हुआ था इंदिरा जी के साथ, तो बहुत गंभीर चिंतन का विषय है कि वर्ग संघर्ष फिर देश के राष्ट्र के विरोध में हो जाता है। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और धर्मांतरण पर प्रहार करना चाहिए, और इस प्रकार के विवाद से कि सनातन धर्म को चुनौती दे दे वो और कुंठित मानसिकता है। सनातन धर्म को चुनौती नहीं दी है, हमेशा चुनौती दे आपके डिबेट से किसी चंगाई से कवासी लखमा जी ने सनातन धर्म को चुनौती नहीं दी है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, आप अभी इस डिबेट में भी शांति भंग करने की बातें कर रहे हैं। कवासी लखमा जी ने सिंपल सी बात कही, यदि वहां पे एक भी धर्मांतरण हुआ है तो मैं उनकी सीट खिसक रही है, इसलिए संज्ञान ले भाई चैलेंज दिया, चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, आप लोग कर लो, चलो मैं भी चैलेंज दे रहा हूँ, मैं पार्टी के प्रवक्ता के हिसाब से आपको चैलेंज दे रहा हूँ। तेरी चैनल पे बैठ कर 1000 ऐसे बोलने से नहीं होता, 1000 ऐसे बोलने से नहीं होता। शबरिया धर्मांतरण किसी को डरा कर धमका कर प्रलोभन देकर उसे कहा जाए, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। नितिन जी बाबा तो चले गए, नितिन जी धर्मांतरण को लेकर बाबा को चुनौती आप लोग दे रहे हैं, क्या बस्तर के लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं? क्योंकि ये तो बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझाने में बिल्कुल कामयाब हो गई है कि जो भी कन्वर्जन हो रहा है उसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है। ये बयान क्या उसी लिए आ रहा है कि बस्तर की जनता को नहीं समझा रहे, चले बाबा को टारगेट करो, कम से कम बस्तर की जनता ये तो समझेगी कि हम आपके साथ हैं। बस्तर की जनता पूर्ण रूप से हमारे साथ है, पूरा दमखम लगा दिया था राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक को वहां ला रहा, भानु प्रतापपुर में लड़ा दिया था, चुनाव हार गए, क्या हुआ कुछ नहीं, पूरी विधानसभा से बस्तर संभाग की पूरी विधानसभा से ये साफ है। धर्मांतरण क्या होता है मैं बताता हूँ, धर्मांतरण पूरे देश में हो रहा है। आदित्य जी धर्मांतरण पूरे देश में हो रहा है, पर जबरिया धर्मांतरण जो होता है किसी को डरा कर धमका कर प्रलोभन देकर, यदि कोई धर्मांतरण होता है डराकर धमकाकर नहीं होता, बना हुआ फुसलाकर सरकार के मध्य प्रदेश का धर्मांतरण, अरे भाई के राज्य में हो रहा है, सत्य नहीं सुनेगा ना, सुन लो मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ, शिवराज बाबा के सरकार का भाई आपके राज में हो रहा है, शिवराज बाबा के सरकार साथ में धर्मांतरण गैंग के साथ एमपी के दबाव में साथ में है, अब इनको ही बोलने दो आप।
एक मिनट राजीव जी सुन लेते हैं। एमपी के मध्य प्रदेश के दमोह में 328 लोगों ने 2015 से 2017 के बीच ईसाई बने थे, धर्म परिवर्तन किया था। इनकी वापसी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ही करवाई, ये भी मैं आपको बता दूं। इसीलिए तो ये 2015 से 17 के बीच में सरकार किसकी थी, इसे कहते फादर बेंजामिन सबूत, और हम अभी भी चैलेंज कर रहे हैं आपको। 3000 चैलेंज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, 3000 लोग बस्तर में, ये तो 328 लोगों ने स्वयं आके बताया कि हमारा जो है जबरिया धर्मांतरण करवाया गया था। हम तो पकड़ रहे हैं, हम तो पकड़ रहे हैं, हम तो लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का एजेंडा ही कि बाबा से मुंह से कुछ अच्छी बातें निकलवा लें, कि धर्म और धर्मांतरण का मुद्दा लगातार आगे बढ़े, क्योंकि ये सब लोग सभी लोग बोल रहे हैं कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा आप लोगों ने बढ़ाया, आप धर्मांतरण के मुद्दा कर, क्योंकि बाबा के लाखों अनुयायी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जाएंगे वहां पर, तो मैं वहां से लौट रहा था, मुझे 2.5 घंटा लग गया वहां से अपने ऑफिस पहुंचने में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या जानबूझ के धर्म और धर्मांतरण के मामले सामने लग रहे हैं ताकि कांग्रेस सरकार को डैमेज हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो? राजीव जी, आदित्य जी, उसके पहले वहां पर दूसरा भी एक राम कथा हुई, शिव कथा हुई, अभी बागेश्वर धाम बालाजी आए हुए, वो अपना धर्म कथा, वो स्थल शुरू से ही वहां पर हनुमान जी की कथा होती है, वो जो गुड़ियारी के आसपास के क्षेत्र, बहुत सारे प्राचीन हनुमान मंदिर है, और वहां की कुछ संस्थाएं वो करते रहती है, और उन संस्थाओं में कांग्रेस के भी लीडरान है, भाजपा के भी लीडरान है, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग हैं। अब अगर आप कहें कि भाजपा का, तो वो भाजपा के वहां कांग्रेस भाजपा मिली जुली सरकार है वहां पर, तो वहां पर कथा कर आप कहें कि भाजपा का एजेंडा, तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग हैं, तो ऐसा कहना बहुत अतिशयोक्ति है। हाँ, लेकिन अब यह स्थिति आ गई कि सनातन धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाते हैं तो लोग एकत्र हो जाते हैं, ये एक अच्छा वातावरण बना है भारतवर्ष में पिछले 15 से 20 वर्षों के बीच में। और पहले क्या होता था, पोप जॉन पॉल आते थे 2007 में और खुलेआम कहते थे दुनिया जी से मिलकर कि व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण किया जाए। तो आदित्य जी, कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है, लेकिन जितने भी सनातन धर्म के प्रेमी हैं उनकी मनस्थिति है कि धर्मांतरण पर रोक लगे। अब आप वो किसी पार्टी के नहीं, वो तो पीठ के आदित्य जी, जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राम पीठ की सरकार है, शिव पीठ, राष्ट्रीय स्तर पर सभी कड़क कानून बनाने की आवश्यकता है। सनातन धर्म पर रोक लगे, ठीक। विषय जी, चुनाव के समय जानबूझ के बयान आते हैं क्या? बस्तर में कांग्रेस की साख बचाने की कोशिश तो नहीं है? क्योंकि बहुत साफ लग रहा है कि बीजेपी बहुत सारे लोगों को यह समझाने, क्योंकि बस्तर दिख रहा है, बस्तर कांग्रेस के हाथ से खिसकता हुआ दिख रहा है, क्या बीजेपी समझाने में ये कामयाब होगी कि धर्मांतरण जो भी हो रहा है उसके लिए केवल कांग्रेस जिम्मेदार है, इसलिए इस प्रकार के बयान आ रहे हैं? विश्व जी, देखिए, बस्तर की 12 सीट जो है, ये निश्चित रूप से अभी 12 की 12 सीट कांग्रेस के पास में है, और वहां पर एंटी इनकम्बेंसी भी है, जहां तक कि अब कहीं पर अगर मान लो लगातार एक सरकार रहेगी और इतनी सारी सीट रहेंगी तो वहां पर रहेगा एंटी इनकम्बेंसी का असर तो है ही। साथ ही ये जो आप कह रहे हैं, इसमें हो सकता है कि ये कोई राजनीतिक चाल हो, लेकिन एक और जो वहां पर बड़ा मुद्दा चल रहा है वो आदिवासियों का आरक्षण है। वहां पर नक्सलों के जो खिलाफ, जो मतलब नक्सल के समर्थन में जो एकजुट हो रहे हैं लोग, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ये मिला जुला मुद्दा है, लेकिन हाँ, ये बात है कि चूंकि भारतीय धर्म है, या भारतीय जो जनता है वो धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा उद्वेलित होती है, संवेदनाओं और भावनाओं का आप भड़का दो तो वो फिर वो भूख भी भूल जाती है। तो ये भी एक कारण है कि ये हो सकता है बिल्कुल कि कहीं ना कहीं पर जो पॉलिटिकल माइलेज अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है तो वो उसको मिल रहा होगा, या कांग्रेस ये चाहती है कि इसको थोड़ा सा डाइवर्ट करें, इस मुद्दे को वो मिल रहा है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से यहां पर ऐसे धर्म कथाओं की बाढ़ आ गई है। जया किशोर जी अभी आकर गई, उससे पहले प्रदीप मिश्रा जी के बहुत सारे आजू बाजू में पूरे रायपुर समेत कई व्याख्यान हुए, अभी जो है वो ये आ गए, तो इस तरीके से माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, और ये कहीं ना कहीं धर्म से सियासत की ओर जाने का एक तरीका ढूंढा जा रहा है। देखिए, धर्म से सियासत की ओर जा रहे हैं, और सियासत की ओर जा रहे हैं तो सियासी चैलेंज भी होना लाजमी है। तो फिलहाल देखिए, धीरेन्द्र गिरी का लगातार कार्यक्रम चल रहा है, जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यक्रम के बाद जो सियासी बवाल मचा हुआ है मध्य प्रदेश में, हमने देखा किस प्रकार से सियासी बवाल मचा है, छत्तीसगढ़ में हमने देखा कवासी लखमा सामने। अगर विश्व जी बहुत सही कह रहे हैं, कवासी लखमा को ये बात तो बिल्कुल मालूम है कब कौन सी बात बोलना है और कब किस प्रकार से सुर्खियां बटोर है। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।